हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू योर लीगल बडी। सो आज से हमारे 3 नए क्रिमिनल जो लॉज आए हैं वो आज से लागू हो जाएंगे, इन्फोर्स हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हर एक आदमी को पता होनी चाहिए वो बताता हूँ आज। तो पहले सेक्शन 154 CRPC में FIR होती थी, अब वो बदल के सेक्शन 173 हो गई है। 173 के क्लॉज 2 में, यहाँ पर क्लॉज 3 में, आई बेग योर पार्डन, 173 क्लॉज 3 में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है और जो एक नई चीज भी लिखी है। कितना खराब है कितना अच्छा है ये आप लोग डिसाइड करना, बट बहुत एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई वो मैं समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175। कह रहा है सेक्शन 175 में कुछ भी लिखा हो उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है, ठीक, और उस पर अगेंस्ट में ना जाते हुए हमें आगे पढ़ना है। क्या कहता है? On receipt of information relating to commission of any cognizable offence, which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years। इतना समझते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर भाई कोई ऑफिसर, कोई FIR हो जाती है जो cognizable offence है, पहली बात, ठीक है। cognizable offence कैसे पता चलेगा? आप BNSS उठाओ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें पीछे जाइए, शेड्यूल में लिखा है कि कौन सा ऑफेंस cognizable है कौन सा नहीं है। लिखा हुआ है कोई भी ऐसा cognizable offence की इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है जिसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 3 से 7 साल के बीच में है। कह रहा है 3 साल से ज्यादा है और मैक्सिमम 7 साल तक है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है उसकी अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तब क्या होगा? तब द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे विद द प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case or proceeding in a case within a matter of 14 days। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि भाई अगर 3 से 7 साल के बीच की सजा है और इसके बारे में कोई FIR हुई है तो जो SHO होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में दरोगा कहते हैं, दरोगा FIR लिखने के पहले उसके पास ये डिस्क्रिशन है, उसके पास ये चॉइस है कि वो DSP की परमिशन के बाद में विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, ठीक है, DSP की परमिशन लेने के बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे। सॉरी, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब एक जांच कंडक्ट करे to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in a matter within a period of 14 days। ठीक है, let's say आज 1 तारीख है, 1 तारीख को कोई ऐसे offence की FIR हुई जिसमें 3 से 7 साल के बीच की सजा है, तो जो दरोगा होंगे, जो दरोगा साहब होंगे, जो SHO होगा, उसके पास ये option है कि वो DSP की permission लेने के बाद एक जांच कर ले कि इसमें कोई offence हुआ भी है कि नहीं, ये preliminary जांच कर ले, ऊपर से जांच कर ले, ठीक है। और लेकिन ये जो जांच वो करेगा वो 14 दिन के अंदर ही अंदर उसको करनी है, ठीक। और उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई उसको 3 से 7 साल के बीच की इंफॉर्मेशन मिली, उसने FIR लिखी है, तो वो जाए और वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे, इसमें ये पहले जैसा ही है, ठीक है। जो ये वाला क्लॉज जो आया ना, ये वाला प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है, ये नया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Any person aggrieved by a refusal on part of the officer in charge of police station to record information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing or by post to SSP, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case. ये देखिए, ये पहले वाली provisions है कि आप SP को आप चिट्ठी लिखते हैं, SP या तो खुद investigation करता है या आपने किसी subordinate को दे देता है, ठीक है। 173 clause 3 में ये एक नई चीज आई है, ठीक है, जो क्लॉज 1 है कि आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का एक ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। तो वर्ड देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मे, ठीक है, मे विद द प्रायर परमिशन, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर शैल लिख देते तो थोड़ा एक ज्यादा एक पावरफुल सेक्शन होता, ज्यादा एक पावरफुल क्लॉज होता। मे लिखा है तो मतलब इसका डिस्क्रिशन है पुलिस वाले के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं, ये पहले नहीं था, अब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज ऑफ सम हेल्प टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।